गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित फिर से आप लोग के आपके अपने चैनल आई लव माई कबूतर में स्वागत करता हूँ। ये हमारे घर के बच्चे हैं जिसमें से दो बाज नस्ल हैं, ठीक है, और जो हैं दो चार जो हैं वाइट हैं। ये हमारे घर के बच्चे हैं। अब जो है इनकी ट्रेनिंग मतलब स्टार्ट होगी, ठीक है। और बहुत लोग को ये डाउट होता है कि जो है मतलब ऐसी जगह से मतलब जो है मतलब क्या बोलते हैं कि नीचे की छत से बालकनी से कबूतर भाग जाते हैं। यार ये आपके ऊपर है, आपकी जैसी ट्रेनिंग रहेगी वैसे होती है, ठीक है। ट्रेनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको पता होगा कि बिना ट्रेनिंग का कुछ नहीं होता। यदि आप अच्छा ट्रेनिंग दोगे तो आपके कबूतर कहीं नहीं जाएंगे। बस एक कंडीशन होना चाहिए, वो आपका जो कबूतर है वो क्रॉस में नहीं होना चाहिए। जो आपका बच्चा है वो क्रॉस में नहीं होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो जो है उसके बाद आप ट्रेनिंग दीजिए, अब बच्चे कहीं भी नहीं जाएंगे, ठीक है। मतलब क्रॉस ब्रीड नहीं होनी चाहिए। क्रॉस ब्रीड होगी तो वो भाग सकती है, क्रॉस ब्रीड की मैं गारंटी नहीं लूँगा, लेकिन यदि अच्छी नस्ल आपके पास है तो वो कहीं भी नहीं जाएंगे, ठीक है। और इसमें मैं फूड रखता हूँ, आपको पता ही है, ठीक है। और ये हमारी गुड़िया जी हैं, यही इनको बड़ा प्यार करती है, खिलाती रहती है, ठीक है। कली ठीक है व्यूअर्स, तो अब देखिए, अब मैं इसको कर दिया हूँ। ये जो है 25 दिन के बच्चे हैं, ज़्यादा दिन के नहीं है। कोई 25 दिन का है, कोई 20 दिन का है, कोई 27 दिन का है, इसी तरह है ये। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको उठा के जो है मैं इस पे रख दूँगा। अभी से मैं बैठाना शुरू करता हूँ। 25 दिन के जब ये हो जाते हैं बच्चे, तब से मैं इनको बैठाना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद इनको मैं बैठाता हूँ जब तक ये 2 महीने के नहीं हो जाते। 2 महीने मतलब 45 डेज के बाद मैं फिर इसके ऊपर बांध के बैठाता हूँ, ठीक है, ताकि वो और अच्छे से देख सकें। तो देखते देखते इनके माइंड में सेट हो जाता है कहाँ क्या है। अब जिस जगह से मेरी लोकेशन है आपको दिख रहा होगा, ग्रीन ग्रीन है, हरा भरा है, पूरा पेड़ कवर किया हुआ है, ठीक है। इवन किसी को पता ही नहीं चलता ऊपर से कि दिखता ही नहीं है। पहले पेड़ नहीं होता था तो दिख जाते थे ऊपर उठते वक्त, तो दिखता ही नहीं है। तो उसके बाद भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ इनको, और वो घर के पक्के होते हैं। वो देखिए, इसके पापा हैं वहाँ पे। आज मैंने थोड़ा सा उड़ा दिया था इसको, ठीक है। आज 2 कबूतर मैंने उड़ाया है, ठीक है। जो बच्चे हैं ना दो बाज, उसके ये पापा हैं, मतलब बाजीगर का बेटा, ठीक है। और जो दो बाज हैं और वो बाजीगर के नाती हैं। अब देख लीजिए, थोड़ा जूमिंग लेवल में बढ़ाता हूँ, बस बस। चारों तरफ से मैं पैक हूँ व्यूअर्स, चारों तरफ से। उसके बाद भी मैं कितना जहाँ चाह है वहाँ रहा है, और मैं अपने सारे कबूतरों का शौक करता हूँ। ये हमारे फूल भी हैं, फूल भी देख लीजिए, देखने में अच्छे लगते हैं। अब इसके ऊपर मैं इनको रख दूंगा, ठीक है व्यूअर्स। तो इस पर रख दिया मैंने, आपके सामने दिखेंगे, आराम से धूप लेंगे, इनको समझदारी आ जाएगी धीरे धीरे। तो ऐसे ही मैं इनको समझदार करता हूँ कबूतरों को, बच्चे पर से ऐसे ही जब ये 25 दिन के हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर मैं इनको बाहर निकालना शुरू कर देता हूँ। ऐसे मैं बैठाऊँ इनको 2 महीने तक बैठाऊँगा, ताकि इनको आसपास का एरिया समझ में आए इनको। और देखते देखते ये हैप्चुअल हो जाते हैं, फिर मैं यहीं से उड़ाता हूँ, तो कि तो इधर आके बैठेंगे इस पर, कि तो वो जो सामने हमारी बिल्डिंग है उस पर जाके बैठेंगे, ठीक है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स छोटी सी क्लिप है, और ये कहूँगा कि सूर्य देव की किरणें भी लेने आपके कबूतर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, विटामिन डी की सख्त ज़रूरत होती है। तो बच्चों को यदि आप धूप में ऐसे रखोगे तो वो स्ट्रॉन्ग भी होंगे, और विटामिन डी की भी कमी जो है इनकी पूरी हो जाएगी। बाकी तो मैं सप्लीमेंट वगैरह देता हूँ, फिर भी धूप के लिए बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में ट्रेनिंग देता हूँ तो मेरा 2 फायदा होता है, एक तो बच्चों को अच्छे से धूप लग जाता है, दूसरी बात है कि बच्चे ट्रेंड हो जाते हैं, ठीक है। अभी मैं कबूतरों को खोलूँगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद खोलूँगा। बस अभी आप इनकी भी ट्रेनिंग स्टार्ट है। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है ट्रेनिंग की, ये भी वीडियो है, ये समझ लो मेरी एक यूनिक वीडियो है, क्योंकि मैं बच्चे से मतलब जो बड़े हो जाते थे 45 दिन का, उनका मैं वीडियो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। लेकिन ये पहली वीडियो है जिसमें मैं 25 दिन के बच्चों को आपको शेयर कर रहा हूँ, जिसमें से दो बच्चे हैं, ठीक है, और जो हैं बाकी 4 जो हैं वाइट बच्चे हैं, टोटल 6 हैं, ठीक है व्यूअर्स।
ओके जी, चलिए ये छोटी सी क्लिप है। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, अपने कबूतरों का ख्याल रखिए, ठीक है। कबूतरबाजी आप कहीं से भी कर सकते हैं, बस आपको उसके लिए चाह की ज़रूरत पड़ती है और थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन सबसे पहले आपका काम है, उसके बाद आपके कबूतर हैं, इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।